में यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 इससे जाने वाली तथा इन दोनों समतलों के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि बिंदु बिंदु जिसका इसी से वेक्टर ए लेते हैं, वेक्टर ए से होकर जाने वाली तथा सदिश सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये ना होता फॉर्मूला। तो चूंकि हमारे पास यह बिंदु दिया है, बिंदु 1, 2, 3 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश का क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए इक्वल टू में आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, तथा वेक्टर बी इक्वल टू यहां ले लेते हैं हम लोग, मान लो यहां ले लेते हैं b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये वेक्टर बी तो दिया नहीं है जिसके समांतर है वह रेखा, वो नहीं दिया हुआ है सर, वह सदिश नहीं दिया है, तो ये सदिश हमने खुद ले लिया है। तो यहाँ से रेखा का समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, ये ना हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण। तो यह आपके रेखा का समीकरण हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास समतल दिया है, समतलों का समीकरण दिया है, समतलों का समीकरण दिया हुआ है, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप इक्वल टू में 5, और दूसरा दिया है आर कैप आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप इक्वल टू में 6, ये दिया हुआ है दो समतल, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। अब समझिए, ये समतल का समीकरण दिया है और इस समतल के समांतर रेखा का समीकरण यह है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समतल 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 पर अभिलंब जो होगा, अभिलंब रेखा समतल पर जो अभिलंब होगा वह रेखा जो समीकरण 1 में देख रहे हैं पर भी लंब होगा, समतल पर जो अभिलंब होगा रेखा इतना पर भी लंब होगा या परस्पर लंब होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं किस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा आपका करके दोनों समतल को लेंगे, ये समतल लेते हैं और ये रेखा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 × b1 देखो, फिर प्लस माइनस 1 × b2 और फिर प्लस 2 × b3 इक्वल टू में 0, यानी कि b1 − b2 प्लस 2b3 इक्वल टू में 0। देखिए अब इसे समीकरण हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहीं पे लिख देते हैं, इसी प्रकार दूसरा वाला समतल लेते हैं और यह रेखा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × b1 प्लस 1 × b2 प्लस 1 × b3 इक्वल टू में 0, तो 3b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू में 0। अच्छा, इसको समीकरण 5 लेते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 4 तथा 5 से हम लोग b1 b2 और b3 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे b1, इधर ले लेंगे b2, ब्रजमन विधि लगा रहे हैं, और इधर लेते हैं b3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ b2 और b3 के गुणांक को यहाँ लेंगे, ठीक है, दोनों समीकरण से 4 और 5 से, तो यहाँ हो जाएगा -1, 1, 2, 1, यहाँ पे आप लेंगे b3 और
बी वन का गुणा, टू वन, ठीक है, वन थ्री, यहाँ बी वन बी टू का, वन थ्री माइनस वन वन, ठीक है। तो बी वन बाई में माइनस वन माइनस टू, बी टू बाई में सिक्स माइनस वन, और यहाँ बी थ्री बाई में वन माइनस माइनस का थ्री। तो बी वन बाई में माइनस थ्री, बी टू बाई में फाइव, और बी थ्री बाई में यहाँ हो जाएगा प्लस का फोर। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यही ना आपका दिक अनुपात ले लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए सदिश वेक्टर बी जो था, वेक्टर बी जो हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर बी का दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस थ्री फाइव फोर। इसलिए वेक्टर बी बराबर में हो जाएगा माइनस थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप और प्लस का फोर के कैप, ये ना हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं, इसलिए रेखा का समीकरण अतः लिख देते हैं, अतः रेखा का समीकरण यहाँ हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू में आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लेमडा, इसको लिख देंगे माइनस का थ्री आई कैप प्लस का फाइव जे कैप और प्लस का फोर के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 20।